के रसमड़ा में हुई एक अज्ञात युवक की हत्या, जहां मिली अर्धजली लाश की गुत्थी अब तक दुर्ग पुलिस नहीं सुलझा पाई है, वहीं अब इस मामले में एक बुजुर्ग युवक मृतक का पिता होने का दावा कर रहा है। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ माह पूर्व जुलाई में ग्राम रसमड़ा स्थित मंदिर के पास एक अज्ञात युवक की अधजली लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में दुर्ग पुलिस ने अलग अलग इलाकों के 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इसी कड़ी में एक बुजुर्ग जो अपने आप को उस मृतक युवक का पिता बताकर थानों के चक्कर काट रहा है, जी हाँ, इस बुजुर्ग पिता का नाम अजीत मिश्रा है और इनका दावा है कि जो अधजली लाश मिली थी वह इनके पुत्र अजय मिश्रा की है। इनका कहना है कि मेरे पुत्र अजय मिश्रा की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है और मेरा डीएनए टेस्ट के लिए काफी लंबे समय से मुझे पुलिस विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, अभी तक मेरा डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। वहीं अब देखना होगा कि दुर्ग पुलिस इस बुजुर्ग पिता के दावे पर अमल करती है, और अगर अमल करती भी है तो इस हत्याकांड का सच क्या है, जो अभी तक दुर्ग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। ऐसे में अब क्या दुर्ग पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अजीत मिश्रा का डीएनए टेस्ट करवाकर अपराध की जड़ तक पहुंचती है, या फिर ये गुत्थी अनसुलझी ही रह जाती है। के रहने वाला हूँ भैया, मैं रेलगाड़ी में चाय बेच रहे हूँ 8 साल मोर संग बेची चाय वाय लोकर बाद गाड़ी बंद करे हैं ना, ठेला ठुली में कुली का वाली काम करें जियात खातर भैया, यहाँ कैसे आई सब का हुई मोला नहीं मालूम। लोकर बाद हम यहाँ 5-6 बार आ चुके हैं, 3-4 महीने हो गए मतलब किंजरत, तबो भी खून टेस्ट नहीं हुए, अगर आवे काली आवे परसों आवे कैसे और हमारा भेज दे मन चल देते भैया, खैर हम गरीब आदमी हैं रोज कहाँ पैसा पाओ भैया, जो आबो रोज कमा के रोज खा सन ऊपर से वो लेकर हमारे पोसैया जी से तब लेकर तो खत्म हो गया भैया, का कर सकते नहीं बताओ आप। तो लड़का का नाम का रही है अजय मिश्रा, हमारे वहाँ मुन्ना है अजीत मिश्रा, हम दोनों बाप बेटा हैं। लड़का साथ ना घर ले निकली से खाना खा के गुटखा खा के निकला था किसे, और गुटखा खा के बाद वो आया चीन घर ना ये पता चला नहीं तेंदु को ना थाना में भी रिपोर्ट करे भागो बाहर हम करे तब बोला ये है ना नाक साफ कर बताई खजाट के ठीक करा तो कागज लधर के गी से दुर्ग ले पुलिस वाला है तब वो बोला देखे तब मैं बोले मोर लड़का के हूँ तब वो बला है और इसने घुमा थे बोला ओकर ना हाड़ टूट गया गला करा के और पेट में पूरा ऑपरेशन है चीरा के और गोड़ कांच गले तहु दिखा थे और जांग में चाय गिरे तहु दिखा थे ये सब ओकर चिन्ह दिखा थे भैया। मोर भाई भी है मैं भी हूँ सबूत है तो घर में पूछ भी लो, भाई भी ले लाए हूँ भाई मोर परेशान है भात उतनी खा थे 1.5-2 महीने हो गए बंद कर दे लड़की भी ओकर लड़का भी नहीं खाता भात। पुलिस वाला मन बोलते भैया तो ये दिन हो जाए खून टेस्ट, फिर बोलते ये दिन 4 महीने हो गए भैया मतलब घुमा घुमा में का कर सकते हैं बताओ आपने, ये ना पूरा चिन्हा थे भैया घरों में पता करें ओकर बाइल पूछे तबो कहा थे हमारा आदमी है, मोर भाई भी कहा थे मोर बेटा है, हमारा लड़का मन भी कहा था हमारा भाई है। देखना होगा दुर्ग पुलिस किस तरह इस अनसुलझे गुत्थी को सुलझाती है और अपराध की जड़ तक पहुंचती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।